हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुल्हड़ बनाने के लिए जो साँचा होता है, जिसे मोल्ड कहते हैं, वो मोल्ड बनता कैसे है। अगर आप यह पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको मोल्ड बनाने की जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मोल्ड बनाने के लिए उसका मॉडल तैयार किया जाता है, जो कि जिगर जाली मशीन पे जो हेड बना रहता है उसी पे इसका मोल्ड का मॉडल बनाया जाता है। ये देखिए, इसमें मॉडल बनाया जा रहा है। मॉडल में क्या करते हैं कि POP का ही मॉडल बनता है। तो सबसे पहले जो भी साइज़ का मॉडल तैयार करना है, चाहे वो 50 ml हो, 70 ml हो, 80 ml हो, उसका एक जो है कि सैंपल होता है। सैंपल का नाप जोक करके ही उसका नया मॉडल बनता है। दोस्तों, नया मॉडल बनाने में काफ़ी मुश्किलें होती हैं, जो कि कोई जल्दी बना नहीं पाता है। जो इसके अनुभवी कारीगर होते हैं वही बना पाते हैं। देखिए, इस समय जो है कि उसका मॉडल बनाने की तैयारी चल रही है। इस प्रकार से पहले मॉडल बना लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये मॉडल है, जो मोल्ड बनाना है उसी का ये मॉडल है। 200 ml का ये कटोरी का मॉडल है और ये जो है कि रनिंग कॉपी है। तो मोल्ड का मॉडल बनाने के बाद एक फर्स्ट कॉपी बनाते हैं, उसी से इसका रनिंग कॉपी बनता है। रनिंग कॉपी से ही मोल्ड बनते हैं। ये देखिए, ये जो है कि 60 ml का रनिंग कॉपी है, इसी से जो है कि मोल्ड बनते हैं। रनिंग कॉपी भी सभी लोग नहीं बना पाते हैं, इसके अनुभवी जो कारीगर होते हैं वही रनिंग कॉपी बनाते हैं। और देखिए, ये बहुत सारा मोल्ड बना के तैयार हो चुका है हमारे यहाँ। तो किसी को भी अगर मोल्ड की आवश्यकता होगी, भट्टी बनवाने की आवश्यकता होगी या फिर मशीन लेने की आवश्यकता होगी, तो वो हमसे संपर्क करके हमसे मशीन यानी कि कुल्हड़ बनाने की पूरी सर्विस ले सकता है। तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। आइए आपको आगे बताते हैं कि कैसे रनिंग कॉपी से फिर मोल्ड बनता है। दोस्तों, ये देखिए, रनिंग कॉपी को अच्छे से एक टेबल पे उसको अच्छे से सरिया लिए हैं। एक साइड में 200 ml का है, एक साइड में 80 ml का है। उसके बाद में इसमें जो है कि एक केमिकल आता है, उससे अच्छे तरीके से इसको जो है कि पॉलिश करते हैं, ताकि POP इसमें चिपके ना। मोल्ड बनाने के लिए हमेशा दो आदमी की ज़रूरत होती है। एक आदमी उधर टेबल पे पॉलिश करता रहता है और एक आदमी POP बनाता रहता है, क्योंकि दोनों काम साथ में होने चाहिए। ये देखिए, ये पॉलिश कर रहे हैं और ये POP बना रहे हैं। POP बनाने के लिए हमेशा जग वाली बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे घरों पे बाल्टी होती है उसमें नहीं बन पाता है बनाने का, मतलब इसमें डालने में आसानी होती है उसमें, ये जो जग वाला बाल्टी होता है, तो ये बाल्टी की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आप अपने घर पे मोल्ड बनाने की ट्राई न करना, क्योंकि इसमें अनुभव की खासी आवश्यकता होती है। अगर आप ट्राई करते हैं तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। अगर किसी को भी मोल्ड की आवश्यकता है तो वो हमसे खरीद सकता है और चाहे तो अपने यहाँ पे मोल्ड बनवा सकता है। लेकिन मोल्ड बनवाने में एक हमारे यहाँ से शर्त होती है कि कम से कम 5000 मोल्ड का ऑर्डर आप देंगे, तभी हमारे यहाँ से मोल्डर कारीगर जाके आपके यहाँ मोल्ड बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मोल्ड बनाया जाता है। और मोल्ड बनाने में काफ़ी जो कि नॉलेज की आवश्यकता होती है। जो इसमें केमिकल पड़ता है वो हर जगह नहीं मिलता है। इस तरह से देखिए, इसमें जो है कि POP डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से काम हो रहा है। लेकिन ये आसानी इसलिए है कि ये लोग बहुत पहले से काम करते आए हैं, और जो नया काम करना चाहते हैं तो वो कर नहीं पाएंगे। अगर किसी को मोल्ड बनाना सीखना भी है तो भी हमसे संपर्क कर सकता है, हम उसको सिखा देंगे कि मोल्ड कैसे बनता है। वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेकर के मोल्ड बनाना सीख सकता है। उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कम से कम 1 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको, तब वो मोल्ड बनाने के लिए सीख सकता है। दोस्तों, इस तरह से फिर बाद में इसको एक फाइल की सहायता से रगड़ लेते हैं, ताकि जो उबड़ खाबड़ हो समतल हो जाए और मोल्ड हमारा अच्छे से इसमें से निकल पाए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि मोल्ड कैसे बनता है। ये काम तो बहुत ही आसानी का है, लेकिन तो इसमें दिक्कतें ये आती हैं कि बिना अनुभव के
जल्दी आप ये काम सीख नहीं पाएंगे। तो ये काम सीखने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मोल्ड बनता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मोल्ड निकलता है बनने के बाद में। लगभग पीओपी को 5 मिनट छोड़ने के बाद में वो सूख जाता है और इस तरह से उसको अलग कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं जो साँचा बनाया गया था उसको अलग कर ले रहे हैं और उसके बाद में फिर मोल्ड को बाहर निकाल लेंगे रनिंग कॉपी से। तो दोस्तों इस तरह से देखिए अब ये सूख गया है और इसको निकाल ले रहे हैं। मोल्ड बन के तैयार हो गया है। अब मोल्ड को जो है कि लगभग 2 दिन तक धूप में सुखा लेंगे तो मोल्ड हमारा रेडी टू यूज़ हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।